Hello friends and welcome to Radio ManavRachna 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो ManavRachna 107.8 FM पर वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम वी लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ. वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सशक्त महिलाओं से. सशक्त महिला से मेरा मतलब है ऐसी महिलाएं जो सशक्तिकरण में एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा निभा रही हैं. और ऐसी ही एक सशक्त महिला आज मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं. मैं वेलकम करना चाहूंगी ज्योति भल्ला मैम को, जो कि प्रिंसिपल हैं मनस्कृति स्कूल की, लेकिन साथ के साथ ये एक बहुत ही एक्टिव सोशल सर्वेंट हैं और मेंबर हैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स. करेंगे इनका स्वागत रेडियो ManavRachna 107.8 FM के स्टूडियो में. नमस्कार, थैंक यू सो मच भावना. ज्योति मैम, आज के कार्यक्रम का नाम ही वुमेन एम्पावरमेंट यानी वी है, और एम्पावर्ड वुमेन अलग ही होती हैं. सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, या आप उसे किस प्रकार से देखती हैं, कौन होती हैं एम्पावर्ड महिलाएं? एम्पावर्ड एक जो वर्ड है भावना, वो इटसेल्फ इट सेज पावर. एक ऐसी लेडी जो एक सशक्त है, कॉन्फिडेंट है, और सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. और मेरे ख्याल से एम्पावर्ड लेडीज़ वही हैं जिनके अंदर एक जुनून होता है कुछ काम करने का. और ये जो जुनूनी लोग होते हैं ना, इनको रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए शायद ये लोग बहुत अच्छे एम्पावर्ड लोग बन जाते हैं. सो दोस्तों, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हम एम्पावर्ड लोगों की बात कर रहे हैं, सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एम्पावरमेंट के साथ न सिर्फ पार आती है लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो बहुत सही ढंग से निभा पाता है, सही मायने में वही एम्पावर्ड होता है, चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो. और महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब लेकिन ये एम्पावरमेंट आए कैसे, और हम कैसे लेकर आए, ये जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए, और साथ के साथ ये जिम्मेदारी मिले कहाँ से, इनसे अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो एम्पावरमेंट है या एम्पावर्ड वुमेन है, इनकी जर्नी बड़ी मुश्किल होती है. क्योंकि देखिए, हम आज भी मानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को इक्वल दर्जा तो नहीं दिया जा रहा है. सो ये जो एम्पावरमेंट की जर्नी होती है, सबकी अलग अलग होती है. अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? यस, ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और आई थिंक कोई भी, वो कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमेन, एंड आई फील दैट द सिमिलर थिंग गोज फॉर द वुमेन ऑल्सो. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देर इज़ अ वेरी बिग फैमिली. यस, और वो फैमिली सिर्फ मेरे घर की नहीं है, मेरे पूरे इको सिस्टम की है जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं. आई थिंक मेरी जो सपोर्ट स्टाफ घर में भी है, या मेरे पहले भी मेरे पेरेंट्स के घर में भी था. तो क्योंकि मैं जॉब शायद बहुत टाइम से कर रही हूँ, इट हैज़ बीन नियरली 26 years since I am out and working as a professional. तो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं who have contributed me to step out of the house. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भावना आप पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए आती है क्योंकि आपके अंदर वो जो मैंने शुरू में कहा, एक जुनून होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ मार्क फॉर माई सेल्फ. तो मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे इन लॉज ने, सभी ने बहुत सपोर्ट करा. और शायद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आए जो मेरे लिए रोल मॉडल्स बन गए मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, एंड आई वुड रियली लाइक टू नेम देम एट दिस प्लेटफॉर्म. कि ऐसे रोल मॉडल्स थे, इट वॉज़ नॉट ओनली जस्ट माई फादर और माई हस्बैंड और माई चिल्ड्रेन, बट ऑल्सो रोल मॉडल्स लाइक फ्रॉम मॉडर्न विद्या निकेतन, मिसेस पटनायक, हु इज़ माई रोल मॉडल, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा. मुझे आज भी वो दिन याद है, शी यूज़ टू से कि ज्योति तुम बहुत ज़्यादा चाहती हो कि स्कूल में ऐसा होना चाहिए, चलो हम ऐसा करते हैं मैम, मैं अपनी क्लासेस में ऐसे. आई वॉज जस्ट अ टीचर इन एम वी एन, आई वुड से माई जर्नी स्टार्टेड एज अ एजुकेटर ओनली. शी वुड से कि नहीं, ठीक है, तुम सबसे ज़्यादा बोलती हो तो तुम्हें ही मॉनिटर बनाएंगे. दैट्स हाउ आई गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज एन एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपको कुछ जुनून था, कोई पैशन था, और मैंने भी चाहा कि चलो एज एन एजुकेटर आप एक रिस्क लेना बैठो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे वेयर यू विल बी लीडिंग अ टीम. तो एक वो रिस्क लिया मैंने, अपने कोकून से बाहर निकल के वो एक डिफरेंट टाइप का काम करना चाहा. फिर उसके बाद संयोगिता शर्मा मैम जो डायरेक्टर हैं ManavRachna स्कूल्स की, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उनके साथ रह के. दो आई वॉज इन टू एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक्स नहीं देखना होता, बहुत कुछ देखना होता है. तो वो भी मुझे मैम से, संयोगिता मैम के नेतृत्व में बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला. एंड इवन नाउ ऑल्सो आई फील दैट द डायरेक्टर्स विद होम आई एम वर्किंग, मिसेस मनीषा गुप्ता, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर मी. एंड आई रियली ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ, अगर फरीदाबाद में इतने सालों से हूँ, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद, मैं कुछ ना कुछ लोगों के लिए करूँ
एजुकेशन इंडस्ट्री में आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, बट नाउ आई हैव जॉइन रोटरी ट्यूलिप्स इसीलिए सो दैट माई एक्सपर्टीज रीचेज आउट टू एवरी नुक एंड कॉर्नर इन फरीदाबाद, सो दैट वी डू सच टाइप ऑफ CSR projects, सो दैट पीपल ऑल्सो हेयर इन द कम्युनिटी फील येस गुड प्रोजेक्ट्स आर बींग डन, ताकि एक एम्पावर्ड लेडी दूसरों को भी एम्पावर्ड करे। जी, एक सही सशक्त महिला की यही जर्नी होती है, जहां आप शुरुआत करते हैं अपने स्ट्रगल से, लेकिन जब आप अपने स्ट्रगल से सीख जाते हैं सो आपको ये पता लग जाता है कि अब आप दूसरों को एम्पावर कैसे कर सकते हैं, यानी आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। और एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय हम अगर एक दूसरे का सहारा बने, संबल बने, तो मुझे लगता है सही एम्पावरमेंट उसी दिन आ जाएगी। हम अक्सर ये कहते हैं कि महिलाओं को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरत शायद पुरुषों को भी है, पर अभी ऐसा लगता है कि पुरुष थोड़े से एम्पावर्ड हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हैं। समाज में बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन इस बदलाव का हिस्सा हम सबको बनना है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं शुरुआत में परवरिश में ही अगर हम बदलाव लेकर आने लग जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है, तो क्या आप अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आई हैं जहां आपको लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत जरूरी चीज जेंडर इक्वालिटी, इसके बारे में हम सब बात करते हैं लेकिन देखते आज भी हम नहीं हैं। चाहे हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, हम अपने जॉब्स की बात करें, घर में रिस्पेक्ट की बात करें, आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन ही हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं। फिर चाहे हम क्राइम अगेंस्ट वेमेन की बात करें, तो आज भी एक पुरुष अपने आप को इतना इनसिक्योर नहीं महसूस करता है रात को जाते हुए जितनी एक महिला महसूस करती है। सो क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा कर रहे हैं, और क्या आप कुछ खास ऐसा कर रही हैं? यू आर वेरी राइट ऑन दैट कि येस, आज भी अगर हम सड़क पे बोलेंगे कि 12 बजे एक लड़का जरूर जा सकता है एक पार्टी के लिए, बट स्टिल आजकल कई फैमिलीज में अभी भी लड़कियों को रोका जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कूल और एजुकेशन में सर्किट में अभी हम लोग टीचर्स को और बच्चों को उस टाइप से ग्रूम करवा रहे हैं। सबसे पहले राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर काम, इट इज़ नॉट जस्ट जेंडर बाउंड, कि ये सिर्फ काम बॉयज़ ही करेंगे या ये सब काम सिर्फ गर्ल्स ही करेंगी। आई रिमेंबर भावना, जब हम स्कूल टाइम में थे तो इट वॉज ऑलवेज से कि जो हैवी नोटबुक्स यूजली टीचर्स की बहुत आदत होती है, स्टाफ रूम से नोटबुक्स एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाए, नो गो एंड कॉल दैट बॉय, ही विल पिक अप द नोटबुक, इज हैवी। सो दैट मंडेन हैज बीन रियली ब्रोकन नाउ। वी से दैट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग। ओके, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ रोल्स विच वी गिव इट इन द असेंबलीज, नो दैट टाइप ऑफ अ थिंग, म्यूजिक पार्ट ऑफ अ थिंग। ये मैं आपको ऐसी बातें बता रही हूँ जो हमारे एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं जेंडर वाइज छोटी छोटी चीज़ें होती थी। ओके, सो असेंबलीज में म्यूजिक पार्ट में भी बॉय ओनली वुड बी पुट अप ऑन ड्यूटी फॉर दैट, दैट ऑल्सो वी आर डूइंग। येस, इवन द गर्ल्स कैन बी डूइंग इट अप, वेदर इट्स रिपेयरिंग अ माइक ओवर देयर और एन एम्पलीफायर और पुटिंग अप द थिंग्स और इवन फॉर स्टेज डेकोरेशन। स्टेज डेकोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स के लिए लड़कियों को समझा जाता है, बट नहीं, वहाँ पर हमें बॉयज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। इसी में म्यूज़िक और डांस के लिए, अब स्कूल्स में जब हम कथक टीचर रखते हैं तो कथक बॉयज़ नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इनटू एजुकेशन अभी हम ये भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि डांस की कोई लिमिट नहीं होती, देयर इज़ नो कास्ट, नो जेंडर, एवरी डांस फॉर्म अ बॉय ऑल्सो हैज़ टू लर्न एंड अ गर्ल ऑल्सो हैज़ टू लर्न। तो ये एजुकेशन में ये छोटी चीज़ों के हम बदलाव ला रहे हैं और अब चीज़ों में फ़र्क आ रहा है एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो टेकिंग इट अप वेरी वेरी पॉजिटिवली। चाहे वो स्कूल में कोई फेट ऑर्गेनाइज करना है, चाहे कोई फेयर ऑर्गेनाइज करना है, चाहे रैफल टिकट्स घर से बाहर जाके देनी है, और लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ ऑफ देम हैव टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। सो ये चीज़ें हम एजुकेशन में कर रहे हैं। यूजली क्या होता है, हम बोलते हैं कि सीनियर क्लासेस में इट्स ओनली द मेन हैव द बेटर वे टू टेक कंट्रोल ऑफ द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग डिसिप्लिन, बट आई हैव सीन इट इन माई लाइफ दैट देर हैव बीन सच वंडरफुल फीमेल टीचर्स हु मेक सच अ लवली मार्क विद द चिल्ड्रन। एंड वाई, क्योंकि वो कहते हैं ना एक औरत में 10 देवियाँ, ऑल द देवीज द गॉडेसेस आर अ री इनकारनेशन इन अ वुमेन, तो वो कभी तो चंडी भी बन सकती है तो कभी प्यार की मूर्त भी बनती है, तो देयर इट वर्क्स फॉर अ वुमेन वेरी वेल। तो वुमेन हैव ट्राइड टू क्रिएट इन स्कूल्स एंड टू एजुकेशन लाइन ऑल्सो दैट दे हैव ऑल्सो ट्राइड टू प्रूव कि वो जो डिसिप्लिन के नाम पे हम बोलते थे कि नो वी हैव टू कॉल अ स्पोर्ट्स टीचर, वो बहुत जमाने से होता है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स टीचर भी मेल रखे ही जाते थे कि नहीं, दे कैन गेट यू द बेटर डिसिप्लिन, नो
Now the women can also do the similar type of a things what the men was saying. I think grassroots se agar hum aise hi upbringing karein bachchon ki, toh this gender inequality is going to finish off very soon. I remember Aamir Khan ka jo show aaya tha Satyamev Jayate ka, there were many rape victims who were talking off and they all said ki hum kyon rape karte hain, kyunki hamare gharon mein auraton ko ek commodity ki tarah samjha jata hai. Yes. She is there only for the kitchen and the bed, so yes. That is why we think for them for that way only. Ye jo ek hai jo kitchen aur bed women ke sath jo jod rakha hai, इसको अंडू करना है. और आई थिंक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिल्कुल ये चेंज हो रहा है. बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेम एंड इक्वल प्रिविलेजेस, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी गिवन टू वुमेन एवरीवेयर. इन फैक्ट वन मोर थिंग वेयर यू नो लाइक यू मेंशन किचन, सो बॉयज ऑल्सो हैव टू बी टॉट दैट कुकिंग इज नॉट अ फीमेल डोमेन और प्रॉबर्ली इट्स नॉट अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक उसके अंदर बॉलीवुड का बहुत हाथ रहता है. Yes. बॉलीवुड हैज ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट सच टाइप ऑफ थिंग्स. आई रिमेंबर व्हेन द मूवी केम की एंड का, तो उसमें व्हेन दे सॉ दैट अ मैन वॉज एट होम एंड द लेडी वॉज ऑलवेज आउट, सो वाई नॉट. यस, बिकॉज वी इंडियंस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस विद बॉलीवुड. कभी कभी हमें वो जब सामने चीज़ें दिखती है तो वी ऑल बिकम वेरी हैप्पी एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन आर लाइफ. सो येस चिल्ड्रन, और आप मानोगे नहीं भावना, जब हम लोग कुकिंग विदाउट फायर जो एक बहुत ही आई थिंक इट्स अ परंपरा इन एवरी स्कूल वेयर वी ऑल डू इट, बॉयज हैव बिकम द बेस्ट ऑफ द शेफ्स एंड दे कुक सो वेल एंड दे वॉन्ट टू रियली ट्रीट इट आउट टू द गर्ल्स एंड एवरी वेयर इट इज जस्ट द सेम. हमने अभी जूनियर इंजीनियरिंग नाम की ऐसी चीज़ें भी स्कूल्स में शुरू करी हुई हैं, यूरेका साइंस एंड ऑल दैट. उसमें भी इफ़ यू सी इट्स नॉट जस्ट स्क्रूइंग अप अ थिंग, इट्स ओनली अ बॉयज़ थिंग और अ कारपेंट्री इज ओनली अ बॉयज़, एवरी वेयर इट्स ऑल सेम एंड इक्वल. भावना कहाँ प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, मिडिल लेवल सिटीज एंड टाउन्स एंड सेटेलाइट टाउन्स में फिर भी बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लोग कर रहे हैं. एक IPS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर हमें एक विमेन ही देखेगी, चाहे वो एक चाय वाले की बेटी है या फ्रूट सेलर की बेटी है, रिक्शा. प्रॉब्लम है रूरल सेक्टर्स में, वहाँ पे हमें ये चेंज लेकर आनी है, क्योंकि दोज गर्ल्स आर स्टिल बाउंड विद द थिंग दैट अ गर्ल एड्स टू द इनकम ऑफ अ हाउस बिकॉज शी हैज़ टू स्टार्ट स्टेपिंग इनटू द हाउस टू अर्न ब्रेड एंड बटर. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रियली इनिशिएट कि रूरल सेक्टर में भी लड़कियों को बराबरी का हक मिलना चाहिए. उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो 8वीं के बाद नहीं पढ़ें, वो सिर्फ अपनी मम्मी के साथ जाके सुबह और शाम लकड़ी काट के लेकर आए बिकॉज शी हैज़ टू गेट द कॉड अंके, शी हैज़ टू गेट द लकड़ी टू मेक द हाउस द किचन रन. बट लड़का फिर भी 8वीं के बाद पढ़ेगा क्योंकि उसको शहर में भेजा जाएगा कुछ काम करने के लिए. तो बदलाव हमें वहाँ पे लाना है. तो रोटरी ऐसे कई प्रोग्राम्स कर रहा है सो दैट दे कैन रीच डाउन टू दैट लेवल, सो दैट वी ब्रिंग अ चेंज इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेगमेंट. सो देखा, एजुकेशन बहुत कुछ बदल सकती है. और आज हमारे साथ एक ऐसी सशक्त महिला है जो एजुकेशन सेक्टर से हैं, जो ये बदलाव शुरुआत कर चुकी हैं. और अगर हम बात करें रोटरी की, तो ऑफकोर्स रोटरी के थ्रू भी ये बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं. ज्योति मैम, आपने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही कि हमें अपने गाँव को बदलने की ज़रूरत है, हमारा जो रूरल सेक्टर है उसमें भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है. सो रोटरी बहुत कुछ ऐसे करता होगा. और जब आप एक एजुकेशनिस्ट के रूप में जुड़ी हुई हैं तो बहुत कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आते होंगे जिससे आप इन गाँव में बदलाव लेकर आते हैं. तो क्या आपको लगता है, क्या वाकई ये जो सोच है इसमें परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन के लिए तैयार है, या आज भी सफ़र लंबा है? सफ़र लंबा तो नहीं है, सफ़र छोटा ही है. अगर सफ़र छोटा तभी होगा जब हम लोग सब एक साथ चलेंगे इसके लिए. और रोटरी और इस तरह के काफ़ी NGOs हैं जो ये सब काम कर रहे हैं. सबसे पहले तो फेमिनिन हाइजीन के लिए, सबसे ज़्यादा इन लड़कियों को घर से बाहर क्यों नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि फेमिनिन हाइजीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट. दैट इज़ वॉट रोटरी हैड ऑल्सो ट्राई टू टीच देम. हम लोग यही ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स करते हैं कि ताकि लड़कियों को फेमिनिन हाइजीन के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं दिए जाए, उनको सशक्त करा जाए. सशक्त कैसे करा जाएगा, जब वो उनकी छोटी चीज़ें जो नीड्स होती हैं फीमेल हाइजीन की, उन्हीं से बनवाई जाएं ताकि वो यूज़ कर सकें लॉन्ग लास्टिंग, ताकि एक पर्सन का एक सेल्फ एस्टीम जो होता है वो इम्प्रूव हो, ताकि वो घर से बाहर निकले. अब चाहे वो मोदी जी हैं चाहे रोटरी है, काफ़ी प्रोग्राम्स हमने चलाए. जैसे सिलाई केंद्र हमने खुलवाया, हमने सिलाई मशीनें दी वहाँ पे. किस लिए दी? एक टाइम के लिए नहीं दी हैं, इसलिए दी हैं कि वो लड़कियाँ सिलाई सीखें,
सिलाई की मशीन का उपयोग करें और फिर अपने घर का पैसा भी कमाएं। अब इस टाइप के प्रोग्राम्स इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अर एजुकेशन, इट इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग एंड इट इज़ समथिंग विद इन देयर कम्फर्ट जोन, क्योंकि ये औरतें अपनी कम्फर्ट जोन से नहीं निकलना चाहती हैं। जब लज्जत पापड़ की बात होती है, वो भी तो एक घर में बैठी हुई महिलाएं थी जिन्होंने ये शुरू किया था, घर में ही पापड़ बनाते थे, बट वो आज की डेट में एक मास स्केल छोटी सी इंडस्ट्री बन चुकी है। सेम आज भावना, इफ़ आई टॉक अबाउट द नायका लेडी, द फाल्गुनी नायर, लवली लेडी, उस लेडी ने कैसे शुरू करा और जब उसको बोला जाता था कि कॉस्मेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जब तक लोग ट्राई नहीं करेंगे तो ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन तुम्हारा कैसे बिक सकता है, बट आई थिंक नो नो सुन के उसने उसके अंदर वो जो जुनून था विच मेड हर फाल्गुनी नायर, नॉट शी इज़ द ओनर ऑफ 1300 crores, आई रियली लुक अप टू हर दैट लेडी कि जहाँ इतना नो नो सुना उसको, स्टिल शी केम अप विद दिस नायका प्रोजेक्ट। तो इसीलिए रूरल सेक्टर में भी बहुत मुश्किल है वहाँ तक सब कुछ करना, बट मंजिल दूर नहीं है अगर हम सब मिलके उस चीज के लिए जाएंगे। और लोग कर रहे हैं वहाँ पढ़ाई और ट्रेनिंग से, मेरे को लगता है इतना नहीं होगा जब हम उनके साथ बैठ के वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, अगर हम ही उनके साथ बैठ के करके दिखाएंगे, क्योंकि एजुकेशन में रोल मॉडल वर्ड भावना बहुत कॉमन है, तो रोल मॉडल तो वही होगा अगर वहाँ जाके उनके साथ मिलके काम करेंगे। खाता खुलवाना है, पैसा जमा क्यों करना ज़रूरी है एक औरत को अपने लिए, अपनी लड़की के लिए कुछ पैसा क्यों जमा करके रखना, ना कि वो मिट्टी के बर्तन में गुल्लक बना के कहीं रखना, बल्कि बैंक में रखना और ताकि वो पैसा उन्हीं के लिए यूज़ हो। तो वो सब चीज़ें अगर हम इनको सिखाएंगे और उनके साथ मिलकर जाके करेंगे तो ज़रूर हमारे देश में एक चेंज आएगा, और धीरे धीरे ये चेंज दिखना शुरू हो भी गया है क्योंकि काफ़ी लड़कियां अब बाहर निकल के आ रही हैं। अभी रोटरी एक और नया प्रोजेक्ट ला रहा है, उसके अंदर वो एक ब्यूटी सैलून का पूरा सेटअप देने वाले हैं जी, सो दैट दीज लेडीज नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो मेक देयर लिविंग फ्रॉम दैट सैलून एंड अ स्टूडियो, विच आई रियली अप्रिशिएटेड इन टू रोटरी ट्यूलिप्स की येस इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग। इसीलिए लोग ट्रेन करके निकल जाते हैं, फिर वो जब ISO में कहते हैं इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स रीट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड सी टू इट दैट द ग्राफ गोज अप, दैट एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। तो शायद रोटरी और NGO इस टाइप की जो संस्थाएँ हैं और हम लोग जैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं, यही हमारा भी काम है कि अगर हम एम्पावर हैं तो दूसरों को भी अपनी नॉलेज से एम्पावर कर सकें। दोस्तों, यही होती है एक सशक्त महिला की कहानी। अगर आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये जान लिया है कि अब जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा हम सबकी ज़रूरत है वो है हमारे रूरल सेक्टर को, तो आप उन तक कैसे पहुँचेंगी और किस प्रकार के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स आप चलाएंगे जिससे हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं और एक दिन शायद वो भी अपनी कहानी यहाँ हमारे साथ ऐसे ही सुना रही हो। सो ऐसा सपना अगर हम सब देखते हैं तो हम वाकई ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। ज्योति भल्ला जी से आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही कैंडिड सी मुलाकात जिसमें ये हमसे बात कर रही हैं और बता रही हैं कि बिसाइड्स बीइंग प्रिंसिपल फॉर मनस्कृति स्कूल, ये बहुत सारे अलग अलग किस्म के काम करती हैं। देखिए, एक तो आपका प्रोफेशन होता है जिसमें आपकी एक जिम्मेदारी होती है और आप बच्चों में वो बदलाव तो लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आउट ऑफ दोज प्रोमाइसिस अगर आप बाहर निकलते हैं और उन चार दीवारी से निकलकर लोगों के लिए कुछ काम करते हैं सो आप अपनी एम्पावरमेंट को पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। आज हमने ढेर सारी बातें की ज्योति भल्ला मैम से। मैम, जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी? आई थिंक भावना, मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन एवरीबडी द सेम एबिलिटी एंड टैलेंट, इट इज़ जस्ट दैट वी ऑल हैव टू डू थिंक बिग बट वी हैव टू स्टार्ट शॉर्ट एंड स्मॉल। तो छोटी छोटी चीज़ें करें, बड़ा अपना विजन रखें, छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए जो एक रिस्क लेना होता है उससे पीछे मत हटें, उस रिस्क को ज़रूर लें और भगवान आपके साथ है एंड आई थिंक विद द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स और आपके जुनून को, वो पैशन को ज़रूर उसको ड्रीम्स को ट्रू करता है। और आई थिंक हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं और अपनी फ्रिटर्निटी में टीचर्स एजुकेशनिस्ट को भी यही समझाते हैं कि ना करने की उम्मीद नहीं होती है, एक उम्मीद जो होता है वर्ड उसके अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हमें आगे लेके जाता है। और आई थिंक मानवरचना रेडियो का भी एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, फील गुड फील लाइफ। अगर हम सब गुड और पॉजिटिव सोचेंगे तो वी ऑल कैन लिव वेरी मच हैप्पीली एवर आफ्टर। बहुत सारी महिलाओं की कहानी आपने सुनी है। शहनाज हुसैन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल देखे, लेकिन आज
वो जिस मुकाम पर हैं, हम सब उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। सो कहानी हमारी ऊंची नीची हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो जर्नी का अंत होता है ये बहुत खूबसूरत होता है और इसी अंत की तरफ हम सब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलकर करते हैं ये बदलाव। लेकिन उससे पहले तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी ज्योति मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू सो मच भावना एंड रेडियो मानव रचना फॉर कॉलिंग मी अप एंड शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसिस ऑल्सो एंड माई ओन रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ। आई थिंक ऐसे ही कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अगर हम सबको कुछ बोलने से भी सिखा सकते हैं और उनके जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं, सो थैंक यू दैट आई फील वेरी ऑनर्ड कि उस उम्मीद से कि यस कोई एक नई किरण, एक न्यू स्पार्क सबके लिए लाइफ में आए। थैंक यू सो मच भावना। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा अगर आपने ये खूबसूरत सा इंटरव्यू सुना है, सो डेफिनेटली आप इनकी जिंदगी से बहुत सारे मैसेजेस ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप किसी और की जिंदगी को बदल सकते हैं, तो ये क्षमता हमेशा बरकरार रखिएगा और लोगों की जिंदगी को आप बदलने की कोशिश जरूर करते रहिएगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, समय का तकाजा। अगले हफ्ते मैं होंगी आपके पास लेकर प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट यानी वी। लेकिन तब तक के लिए फील गुड फील लाइव।